जब तक टाइगर जिंदा है कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। जी हाँ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी पकोड़ा। तो दोस्तों, टाइगर 3 का ट्रेलर आ चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफी कुछ चीजें रिवील हुई है और काफी कुछ चीजें रह गई है। नहीं, मैं नहीं मानता। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शाहरुख सर को भी दिखाया जाएगा, पर नहीं दिखाया। मेरे ख्याल से मूवी में देखने को मौका मिलेगा। कह दो कि ये झूठ है। बात करते हैं इमरान हाशमी के बारे में। उनका लुक बहुत ही धांसू है, काफी अट्रैक्टिव है। एक बार के लिए तो ऐसा लगा था कि ट्रेलर में उनको दिखाया नहीं जाएगा, ट्रेलर एंड की तरफ हो चुका था, बट फिर एंड में आके सलमान सर के बिल्कुल इतने पास में आके बोलते हैं वेलकम टू पाकिस्तान। बहुत ही एक डायलॉग है लेकिन बहुत मजा आ गया। आई एम सॉरी बाबू। डायरेक्टर मनीष शर्मा की टाइगर 3 की स्टोरी कुछ ऐसे हो सकती है कि इमरान हाशमी सलमान सर की फैमिली पे वार करेंगे इस बार, ना कि उन पे। तो सलमान सर को अपने आप को भी बचाना होगा और अपनी फैमिली को भी बचाना होगा, खास तौर से अपनी फैमिली को बचाना होगा। नहीं, मैं नहीं। और इस ट्रेलर में एक खास बात आती है, जब सलमान सर पुलिस के सामने अपने घुटने टेक देते हैं, बहुत ही बवाल लुक है। और जब एक्शन की बात करें तो एक्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी VFX भी बहुत लेवल तोड़ है और कैटरीना कैफ कुछ ऐसे नज़र आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब सिर्फ तौल में फाइट कर रही है, तो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे आप लोगों को फाइट सीन देखने को मिलेंगे। और फिर बात करते हैं कि एक गन वाला पॉइंट आता है जिसमें बड़ी वाली जो बड़ी अम्मा होती है KGF में, वैसा कुछ लेके सलमान सर फाइट करते हैं, वो भी बहुत धांसू होने वाला है। तो दोस्तों, ये देखना होगा कि ये मूवी कितना कमा पाती है, कलेक्शन किस ओर जाता है, क्या पठान और जवान की ओर पहुँच पाती है, 1000 करोड़ प्लस पहुँच पाती है, ये देखना होगा। और ट्रेलर से तो ये लग रहा है कि बहुत अच्छा एक्शन होने वाला है, बहुत अच्छी एक्टिंग होने वाली है और सलमान सर के इसमें 2-3 लुक भी चेंज देखने को मिलेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। सलमान सर अपनी बेगुनाही का सबूत दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि देश उनको गद्दार समझ रहा है। और ये बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग मुद्दा होने वाला है इस टाइगर 3 में। स्टोरी बहुत ही फाड़ होने वाली है, रहा नहीं जाता। फिर बात करते हैं शाहरुख सर के बारे में। तो मेरे ख्याल से शाहरुख सर को सलमान खान जब बुलाएंगे, जब उनकी फैमिली किडनैप हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि तभी उनको उनकी नीड होगी इस बार, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि इस बार फैमिली पे बात है, तो फैमिली के लिए बुलाया जाएगा। तो देखना होगा कि शाहरुख सर वहाँ पे पहुँच पाते हैं और कैसे, मतलब क्या सीन बनता है और क्या कितना मज़ा आता है। फाइट, एक्शन, VFX, एक एक चीज़ पे अच्छे से काम किया और बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा। तो दोस्तों, कितने लोग हैं जो ये मूवी देखने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसे कोई शानदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।